एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की के साथ, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा भाई करते हो जो हमें क्यों बता रहे हो? बोले महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, हम इससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते, हम इससे शादी करना चाहते हैं। हमने कहा शादी कर लो, हमसे क्यों सलाह ले रहे हैं? महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, आप हमारी प्लीज माँ को समझा दीजिए। हमने कहा बेटा जब आपकी माँ तैयार नहीं, आपका पिता तैयार नहीं, तो इस लड़की से विवाह करना ही क्यों है? नहीं महाराज जी मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। मैंने कहा नहीं हुआ तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा अपने माता पिता को और दूसरे शहर में रहकर अपना गुजारा करूंगा, पर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन सुन रही हो ना ये क्या कह रहा है? हमने कहा जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तुम्हारे लिए कल तुमसे अच्छी कोई आ गई उसके लिए तुम्हें छोड़ देगा, ऐसों पर विश्वास क्यों करती हो? जो अपने माँ बाप के ना हो सके तुम्हारे हो पाएंगे? इसलिए लड़कियों को सावधान, कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो ये गलत फहमी ना पालिएगा, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्यार करते हैं। च्युइंगम चबाया होगा कभी आपने, च्युइंगम को जैसे आप चबा करके उसका रस लेके थूक देते हैं, उसी तरह ये दुनिया आपका रस लेकर आपको चबा कर च्युइंगम की तरह आपको थूक करके चले जाएंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो, आपसे कोई प्यार नहीं करता, सुंदर शरीर से दुनिया प्यार करता है या करती है। लड़की हो या लड़का दोनों को सावधान रहना चाहिए और प्यार के झूठे चक्कर में पड़कर अपना भविष्य ना बिगाड़ लेना चाहिए। शादी कर लो, माँ बाप के कहने से करो, माँ बाप की उपस्थिति में करो, माँ बाप की राजी मर्जी से करो, क्या बिगड़ रहा? आजकल कुछ लड़के लड़कियां शादी के बाद माँ बाप को बताते हैं हमने शादी कर ली, सोचो क्या गुजरती होगी उस माँ पर जब आप अपनी शादी में अपनी माँ को इनवाइट नहीं करते, पिता को बुलाते नहीं है, क्या गुजरता होगा ना उस बाप पर? कभी आपने सोचा है आपका बाप आपसे छोटा मोबाइल रखता है, आपको बड़ा मोबाइल देता है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके पिता के कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बेचारा कमा कमा कर एक्स्ट्रा काम करके बुढ़ापे में दो पैसा ज़्यादा कमाता है कि मैं अपनी बेटी और अपने बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा सकूं ताकि वह नाम रोशन करें, सब कुल का, इस खानदान का, इस नगर का, इस राज्य का, इस देश का। लेकिन आजकल कुछ बेटियां और कुछ बेटे अपने माँ बाप के सारे सपनों पर पानी फेर देते हैं और किसी लड़का लड़की के साथ भागकर माँ बाप के सारे सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं। जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप, लोग ताने मारते हैं कि देख लो पढ़ाने का बड़ा शौक था, देखो पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है बेटियों को, पढ़ाओ लिखाओ, पर बेटियों की जिम्मेदारी है कि आपके माँ बाप का विश्वास ना टूटे। एक माँ बाप का विश्वास टूट गया ना तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पर ये संदेह करने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा भी तो ऐसा नहीं है, हमारी बेटी भी तो ऐसी नहीं है। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको रखना चाहिए, हर बेटी को हर बेटे को, पढ़ो लिखो खूब नाम कमाओ, पर पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र ना जाए, ख्याल रखो। कपड़े में दाग लग जाएगा ना मेरी बहन, छूट जाएगा, पर चरित्र में दाग लग गया तो आज तक कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को ठीक कर सके। एक लड़की ने मेरे से कहा महाराज जी मेरी माँ बड़ा पक्षपात करती है। क्यों? मेरा एक भाई है, वो रात्रि के 10 बजे आए तो मेरी माँ कुछ नहीं कहती, मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते, पर मैं कोचिंग से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो माँ मुझ पर टूट पड़ती है, कहाँ थी तू?
बेटी और बेटों के साथ माँ बाप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि बेटा को आजादी से जीने का अधिकार है और बेटियों को आजादी ही नहीं है, माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं कुछ माँ बाप बेटी पर बेटों पर। तब मैंने उस बेटी को समझाया, मैंने कहा बेटा सुन, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है सरिया, और जो बेटी होती है ना वो हीरा होती है हीरा। मैंने कहा ये बता सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या बाहर? बोली बाहर भी होता है अंदर भी। हमने कहा बाहर होता है, पानी पड़ता है धूप पड़ती है, लोहा जंग खाएगा तो उसका मूल्य कम होगा, कितना कम होगा, रुपए दो रुपए पांच रुपए, इसलिए सरिया की परवाह ज्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन हीरा दुकान में लॉकर के अंदर होता है, उस जरा सी डिब्बी लाल कलर की उसमें संभाल कर उसे सुनार रखता है, जरा सा हीरा है संभाल के रखा गया है। सरिया को संभाला नहीं जाता, हीरे को संभाला जाता है। बेटा बेटा हमने कहा बेटी, बेटा जो होता है वो सरिये की तरह होता है और बेटियां हीरा हुआ करती हैं, इसलिए माँ बाप उसे संभाल कर संजो कर घर के अंदर रखते हैं। यदि हीरा टूट गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और सरिया में जंग लग गया तो बिकेगा, माना कि कुछ कम बिकेगा पर बिक जाए, पर हीरा कहां बिकेगा, टूटा हुआ टुकड़े टुकड़े हो जाए कोई हीरा तो बिकेगा? बस बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कंधों पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों को जिम्मेदार होना चाहिए। बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है, बेटा ओनली 1 भाग्य, बेटी 100 भाग्य मीन्स 100 भाग्य। बेटा और बेटी में अंतर ये है कि बेटा शायद अपनी माँ को अपने बूढ़े बाप को छोड़ भी दे बुढ़ापे में, पर बेटियों से बेटों से ज्यादा बेटियों पर उम्मीद होती है कि बेटा भले छोड़ दे पर बेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है अपने बाप की अपनी माँ की। सेवा करनी पड़े तो बेटी अपने माँ बाप की सेवा बेटा बनकर के करती है, इसलिए बेटी कम नहीं है। और बेटियों के लिए आप पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। घर घर पुरुष की समझदारी से तो चलता है पर घर स्त्री के समझदारी से टिकता है। यदि स्त्री समझदार है तो घर सुशोभित है अच्छा है, वरना पुरुष कितना भी समझदार हो महिला समझदार ना हो तो घर चलाना बड़ा कठिन है। पुरुष 19 होगा तो चलेगा, महिला को 20 होना चाहिए। महिला 19 है तो भी चलेगा पर दिक्कत है, पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री को होना चाहिए। कुएं में बाल्टी उतरती है ना तो बाल्टी जाकर कुएं में झुक जाती है, कुएं में गिर के बाल्टी क्या होती है झुकती है तो कुएं का पानी भर जाता है। यदि बाल्टी कहे मैं झुकूंगी नहीं तो क्या पानी भरेगा? बस बेटियां वो बाल्टी हैं जो झुक झुक करके रिश्तों के पानी को अपने अंदर भरती रहती हैं, जो अपने अंदर संस्कारों के पानी को भरती रहती हैं, जो सहनशीलता के पानी को सहन करती 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 भरती जाती हैं। और याद रखना कई बार लड़की की गलती ना होने पर, बहू की गलती ना होने पर, स्त्री की गलती ना होने पर भी उसे सॉरी कहना पड़ता है,
आपके घर में कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, हाँ या ना? तो बताओ, गलती ना होने पर भी आपने सॉरी कहा तो ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से, गलत है या सही है? सही इसलिए है क्योंकि बाल्टी झुकती है तो भरती है, उसी तरह आप यदि झुककर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं तो उस पूरे घर में आपकी गलती ना होने पर भी आप इसलिए झुक गए कि मेरे झुकने से यदि रिश्ते बच रहे हैं तो झुककर रिश्तों को बचा लेना चाहिए। इससे पता लगा कि पूरे घर में आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, पुरुष से ज्यादा जिस घर की स्त्रियां समझदार होती हैं वो घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पुरुष 19 चलेगा, स्त्री 19 नहीं चलेगी। इसलिए मेरी माँ, अपनी बेटियों को ज्यादा समझदार बनाओ। बेटा समझदार हो पर बेटे से डबल, क्योंकि बेटे के कंधे में एक कुल की पर जिम्मेदारी है, बेटी के कंधे पर दो, तो बेटी को ज्यादा समझदार होना चाहिए, जिम्मेदारी ज्यादा, हाँ या ना? इसलिए बेटियां समझदार हो। और तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता तुम्हें कहता है समय से आया करो, समय से जाया करो, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आज बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं, तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तुम्हारे बूढ़े माता पिता। अपने बाप को कभी देखा करो, फटी शर्ट पहनता है, फटा पैंट पहनता है, चप्पल जूते घिस गए पर तुम्हें नया नया देता है, कितना प्यार करता है वो बाप। पर जब बेटियां उस बाप को छोड़कर भाग जाती हैं किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के साथ, समझती हो उस बाप के साथ क्या गुजरता होगा? अरे माँ बाप को दिल, माँ बाप का दिल दुखा कर, माँ बाप को छोड़कर तुम माँ बाप के बिना कौन सी खुशियां पाना चाहती हो या चाहते हो? इसलिए अपने माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। ऐसे मेरी हाथ जोड़कर हर लड़की हर लड़के से प्रार्थना है।